भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के आदिवासी युवक पर पेशाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सभी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसडीएम को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सीधी जिले में आदिवासी युवक पर भाजपा नेता और विधायक प्रतिनिधि के पेशाब कांड के विरोध में सैकड़ों अजाक संघ, भीम आर्मी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासी नेता अरविंद ध्रुवे ने एसडीएम को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी भाजपा नेता को फांसी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि समाज का जो अपमान किया गया है वो सामाजिक रूप से माफ करने योग्य नहीं है। जो सीधी के कुबरी गांव में प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक विक्षिप्त आदिवासी व्यक्ति के ऊपर नशे की हालत में और उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, जो वर्तमान सरकार के विधायक का विधायक प्रतिनिधि है और ऐसा व्यक्ति जो आज की समय में जो व्यक्ति जीव जंतुओं के ऊपर बाथरूम करना नहीं समझता है, लेकिन ऐसा जनप्रतिनिधि और उसने जाके एक आदिवासी के ऊपर और बाथरूम करता है। आज इसके लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश नहीं भारत सरकार का आदिवासी समाज, SC ST OBC समाज का समाज अपमानित हुआ है और इसके लिए आज हम यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं कि इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान लीलाधर जाटव ने कहा कि एक तरफ तो CM आदिवासियों से प्यार करने का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ इनके प्रतिनिधि ऐसी हरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये जो घटना घटी है उसको लेकर हमारे सारे समाज के लोग आए हुए हैं, ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि इस तरीके की घटना ना हो दोबारा। और अगर दोबारा अगर इस अभी हम लोग बहुत शांतिपूर्वक आए, अगर धोखे से भी कोई घटना घट गई तो इस बार माननीय शिवराज सिंह तुम को ही तुम्हारे बंगले में आकर हम लोग घेराव करेंगे और तुम्हारे समझ में आ जाएगी कि हम लोग गरीब लोग हैं, कोई हम लोग वो नहीं है, अपमानित होने के लिए चिंता नहीं है। हम लोग अपना अधिकार छीनना जानते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।